हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक योर फ्यूचर एंड दिस इज डॉक्टर विपिन गोयल। सो आज की लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, हम अपना नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, क्रैश कोर्स फॉर बायोलॉजी। एंड जैसे कि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है एसएससी सीपीओ एंड सीजीएल दोनों की ही नोटिफिकेशन आ चुकी है। एंड जो है आपको टेंटेटिव डेट्स आ चुकी हैं और सीपीओ की नोटिफिकेशन है और सीजीएल की आ जाएगी अभी, ठीक है। तो उसमें हम किस तरीके से हम अपना बायोलॉजी का पार्ट रखने वाले हैं और किस तरीके से हम जल्दी ही शॉर्ट कोर्स के अंदर हम जल्दी से जल्दी अपनी बायोलॉजी के टॉपिक को कवर कर देंगे, तो मैं उसके अंदर आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, क्लियर। सो अगर आपको मेरा जो है पहली बार लेक्चर देख रहे हैं तो आप मुझे यहाँ पे मेरे चैनल दिख रहा होगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आपको डिफरेंट कोर्सेज और भी मिल जाएंगे मेरे चैनल के ऊपर। एंड आपको मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ किस तरीके से स्ट्रेटजी रहने वाली है। पहली बात वो, अगर हम एसएससी की बात करें तो उसमें हमेशा जो है आपका साइंस पार्ट जो रहता है वो इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो मैं साइंस के ऊपर ही बात करूंगा, बाकी टॉपिक्स नहीं डिस्कस करेंगे हम। साइंस के ऊपर जो है मैक्सिमम हमने क्वेश्चन देखे गए हैं, 6 to 7 क्वेश्चन हमारे पेपर में जनरली देखे जाते हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर आपके तीन हिस्सों में आपकी जो है डिवाइड होती है साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और जिसमें से सबसे ज्यादा जो है बायो का पार्ट रहता है, जिसमें से 6 से 7 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन जो रहते हैं हमारी कहाँ से रहते हैं, बायो से, ठीक है। हो सकता है ये 6 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 7 के 7 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कुछ पता नहीं है, कुछ एग्जामिनर का कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि बायो का ही पार्ट आपका ज्यादा रहता है, ठीक है। सो बायो के अंदर जो है हमारा सिलेबस जो है मैंने 5-6 तरीकों में डिवाइड कर रखा है। अगर मैं बायो को डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो पहले मैं एक डिवाइड करता हूँ टॉपिक ह्यूमन सिस्टम के ऊपर, ठीक है, ह्यूमन सिस्टम। एंड दूसरा टॉपिक मेरा है ह्यूमन डिजीजेस का, क्लियर, और मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको पढ़ना है इसमें से। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल एंड टिश्यू, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा जेनेटिक्स, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका न्यूट्रिशन का, और एक टॉपिक रहेगा आपका प्लांट्स और एनिमल्स का, और कुछ टॉपिक आपके रहेंगे जैसे फादर, हु इज द फादर ऑफ डिफरेंट फील्ड, साइंटिस्ट के ऊपर, ठीक है, और कुछ देख लेंगे कुछ हमारे जो फैक्ट्स क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो देखने हैं। तो अब मैं आपको मैं बता देता हूँ कि जो मेरा टॉपिक स्टार्ट होगा वो ह्यूमन सिस्टम से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ह्यूमन सिस्टम के अंदर हमारे डिफरेंट सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, क्लियर, नर्वस सिस्टम, तो ये सारे ह्यूमन सिस्टम आपको पता होने चाहिए, क्लियर। और एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, क्लियर। ह्यूमन डिजीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, कहाँ से किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, हमारी बीमारी किससे फैल रही है, बैक्टीरिया से फैल रही है, वायरस से फैल रही है, प्रोटोजोआ से फैल रही है, किस कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। सेल एंड टिश्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, सेल किसने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, सेल के अंदर जितने डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, गॉल्जी अपरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, डीएनए किसके अंदर होता है, डीएनए किसके अंदर नहीं होता, क्या फंक्शन किसका है, वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, क्लियर। जेनेटिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेटिक्स के अंदर जितने भी हमारे मेंडल के लॉ हैं हम वो डिस्कस करेंगे, क्लियर। जेनेटिक डिसऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, क्लियर, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितने भी हमारी जेनेटिक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में मेनली सपोज आपको पूछा जाता है विटामिन के ऊपर, मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम सारे डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, एनिमल न्यूट्रिशन जो है आपका प्लांट न्यूट्रिशन है वो डिस्कस करेंगे, क्लियर। और फादर ऑफ साइंटिस्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, क्लियर, ये डिफरेंट डिफरेंट हम अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्लियर। ये आपका लीस्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, लीस्ट होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स, अगर इसमें से मेनली क्वेश्चन ये पूछा जाता है जैसे पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है, प्लांट का कौन सा हिस्सा खाने वाला होता है, एंड जो रिप्रोडक्शन होती है वो कहाँ पे होती है, एंड कौन सा सीड क्या है, ठीक है, फ्रूट किसे कहते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, क्लियर, एग्जामिनर एग्जाम के अंदर ही पूछी जाती हैं, तो इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, क्लियर। सो ये जो टॉपिक है, ये सारे टॉपिक जो है हमने मैंने आपको बताए हैं, ये सारे टॉपिक हम ना
से 16 दिन के अंदर खत्म करेंगे, जिसके अंदर आपको हर दिन एक वीडियो मिलेगा, वन डे वन वीडियो, क्लियर। और आपको सारे के सारे टॉपिक इसके अंदर मिल जाएंगे, क्लियर। बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, बहुत अच्छे लेवल के मैंने क्वेश्चंस भी तैयार किए हैं इसके अंदर, फैक्चुअल चीजें भी हैं बहुत सारी, क्लियर, बहुत अच्छे से तैयार की हैं, एंड इस चीज को अच्छे से पढ़ना है आप लोगों ने, क्लियर। सो अगर आपको इसमें से फिर भी कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई सजेशन देनी हो तो आप सजेशन भी दे सकते हैं, क्लियर। सो आपको चैनल आपने देख लेना है कि अब यहाँ पे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, क्लियर। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, एंड जितने भी डिफरेंट कोर्सेज और चल रहे हैं उन चीजों की तरफ भी देखिए, करंट अफेयर के सेक्शन बहुत चल रहे हैं, स्कीम्स के ऊपर मैंने अभी वीडियोस डाली हैं, आपके बेस्ट करंट अफेयर 2018 के जो हैं वो डाले हैं, अभी थोड़ी देर तक हम स्पोर्ट्स न्यूज लेके आएंगे 2018 की, क्योंकि ये सारी चीजें आपको रिसेंट एग्जाम्स में पूछी जाएंगी, तो ध्यान रखना है आपको, क्लियर। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।